धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बजट पे चर्चा, अध्यक्ष महोदय बजट पे चर्चा जिस प्रकार से ईश्वर सिंह जी ने की कि हर व्यापारी, हर कंपनी, हर एक मतलब जो व्यक्ति मार्च में अपना लेखा जोखा करता है, उसी प्रकार हरियाणा सरकार भी बजट के ऊपर जो हर साल बजट पेश करती है और उस बजट को हमेशा बढ़ाकर बताया जाता है भाई ये बजट इतना कर दिया, लेकिन ये कभी नहीं कहा जाता पिछली साल जो बजट पेश किया इस बजट पे चर्चा हो अच्छी बात है, लेकिन पिछली साल जो बजट पेश किया क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? वो बजट जो था 1,77,000 करोड़ का जो पेश किया वो कितना लगा की किसी ने चर्चा? इस बुक के अंदर लिख देते हैं 214 विभाग कह लो, मंद कह लो, इसके अंदर लिखा हुआ होता है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़ने के लिए माननीय वित्त मंत्री 2 घंटे लगाते हैं, क्या जरूरत है? सब पढ़े लिखे हैं, सबने पता है। इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसके अंदर एक भी स्कीम यह बता दो जो सही नहीं है। हाँ, एक भी बता दो सही नहीं है, सारी की सारी सही है। मलिक साहब एक मिनट, मेरे भाषण पूरा होने से पहले आप बोल रहे हैं मजा नहीं आएगा, मैं कहूंगा फिर कहने दे आजे भाई अक्सर भीतर गेट दू मैं वो कहना प्लीज वही कहना चाह रहा जो मैं कहूंगा। आज सुन तो लो, इसके अंदर सुन लो 214 की 214 स्कीमें बढ़िया हैं, उनके लिए बजट वितरित किया जाता है। बजट कम पड़ जाता है तो अच्छी हो तो रिवाइज हो जाता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी ने यह पूछा पिछली साल कृषि के ऊपर कितना बजट दिया था, कितना खर्च हुआ, पंचायत विभाग के अंदर कितना खर्च दिया था, बजट दिया था कितना खर्च हुआ? पिछले दिनों लीला राम जी, पिछले दिनों अखबार के अंदर छपा कि पंचायत विभाग का जो बजट दिया यदि अगर वो सही है अखबार 15% खर्च हुआ, इसको बढ़ाकर देने का फायदा क्या है? उसको आप आंकड़ों में आज जो 1,83,000 करोड़ का जो बजट दिया उसको 2,00,000 करोड़ का भी दे दो, खर्च करना ही नहीं, खर्च होना नहीं, तो उस बजट का फायदा क्या? बजट में बोलने देंगे तो बोलूंगा, इस बजट के अंदर अच्छी बातें भी हैं, अच्छा बजट भी है, मैंने बता दी, सुन लीजिए। इस बजट के अंदर पिछला बजट की चर्चा होनी चाहिए, मेरा ये आपसे अनुरोध और मानना है भाई, पिछला बजट पे भी जरूर चर्चा होनी, क्या किया उस बजट का? कोई कहता 3% बढ़ाया, कोई कहता 11% बढ़ाया, बढ़ाई जाओ, पब्लिक को तो फायदा नहीं हो रहा उस बजट का, पब्लिक का जो टैक्स के रूप में जो पैसा कलेक्ट किया वो पैसा बैंक में रखने के लिए नहीं, जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए वो कलेक्ट किया जाता है, उसको लगाना चाहिए। माननीय मंत्री जी रंजीत सिंह जी बिजली मंत्री हैं, हंस रहे हैं, मेरे बहुत प्रिय भी हैं, आदरणीय भी हैं। क्या बिजली विभाग में कोई अलग से एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी? ढाणियों के अंदर लोग रहते हैं, कोई सुविधा दी उसमें कनेक्शन देने के लिए, कोई रिलीफ दिया? मैं आपको अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, यहां का जो लाइनमैन है ना उसकी इतनी पावर है, 2 फीडर लगे हुए हैं खेत की ढाणी में, डोमेस्टिक फीडर नहीं दिया, आधा किला दूर है, वो लाइनमैन की उस पर मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो किस फीडर से उस ढाणी में कनेक्शन देगा।
और मंत्री जी के पास जब हम जाते हैं, बेटा ये तो रूल कहता है जो नियरेस्ट फीडर होगा उससे कनेक्शन दिया जाएगा। लाइनमैन बड़ा हुआ या मंत्री जी बड़े हुए, इस तरह के जो काम होते हैं। तो अध्यक्ष जी एक और जोर है हमारी सरकार का ई टेंडरिंग का। एक मिनट मंत्री जी, आधा मिनट बोल, आप बोलना चाहें बोल जाए, मैं इतना पानी पियाता हूँ, आपने बोलना है तो। आज क्या खा के आ गए? बोलो बोलो। ऐसे है सुथरा तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मेरी माँ ने पैदा कहा उतना सुथरा बोलूं। तो दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ई टेंडरिंग और भ्रष्टाचार। ई टेंडरिंग से हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहती है। मैं कहता हूं ई टेंडरिंग से अंकुश नहीं लगेगा, अंकुश लगेगा भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने से। मैं आप पे एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं इस पे, ई टेंडरिंग पे। जो ये कहते ना ई टेंडरिंग से हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पारदर्शिता ला देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सरकार मुझे ये माने मेरे विरोध में बोल रहे, विपक्ष माने मेरे को पक्ष में बोले, मैं सही बात कहूं। ई टेंडरिंग से 2019 के अंदर मेरे बरवाड़ा शहर के अंदर एक 4 करोड़ का घोटाला अखबारों में छुपा था, लाइट घोटाला और ई टेंडरिंग का घोटाला था। 1 करोड़ रुपए का उसका टेंडर हुआ और वो 4 और 5 महीने में 4 करोड़ रुपए उसका टेंडर का बढ़ा के ले गई। 18 तारीख को रिवाइज हुआ एस्टिमेट, 3 पर रिवाइज हुआ, 19 तारीख को वर्क ऑर्डर मिला, 20 तारीख को बिल बन गया, 24 तारीख को 1 करोड़ रुपए की पेमेंट विड्रा होगी। वो ई ट्रेंडिंग है, 24 दिन के अंदर अंदर वो काम भी हो गया और 4 करोड़ रुपए पेमेंट भी निकल गई 24 दिन में। ये ई टेंडरिंग है। ई टेंडरिंग से इससे आगे और कहूंगा, इसके अखबारों में आने से इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी की ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम हिसार ने, उसके अंदर घोटाला सिद्ध कर दिया, एफआईआर के लिए लिख दी, एफआईआर के लिए लिखी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ग्रीवेंसीज में मुकदमा लग गया, मंत्री जी चेयरमैन थे, इनके सामने जब वो केस आया इन्होंने उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी, घोटाला था सिद्ध हो गया। उसके बाद 3 महीने तक अरेस्ट नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज हो गई। सुन लो, मंत्री जी चेंज हो गए, ग्रीवेंसी लगनी बंद होगी, अनिल विज जी बना दिए बीमार रहने लगे। अब पुलिस ने एसएचओ डीएसपी एसपी ने इंक्वायरी कर दी अपनी मर्जी से और घोषित कर दिया कोई घोटाला नहीं, ये कैंसिल की जाती, वो एफआईआर कैंसिल आज के दिन। ये है ई टेंडरिंग। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहता हूं, ये ई टेंडरिंग से ई टेंडरिंग कराए लेकिन अधिकारियों पर विश्वास की बजाय चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास करें। जो पंचायतें चुनकर आई हैं वो इस तरह के घोटाले नहीं करती। और वो अधिकारी, मैं एक और बताना चाहता हूं, अभी ताजा रिपोर्ट है हमारी पुलिस की करतूत, मेरे बिछपड़ी गांव के अंदर एक इंस्पेक्टर था, उसने सुसाइड किया, उसने अपने अधिकारियों के ऊपर दोष मंडा, कहा एफआईआर दर्ज करो, दाह संस्कार तब करेंगे। एसपी और डीएसपी पता क्या बोलते हैं, वो अधिकारियों पर ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्या आम आदमी सुसाइड कर ले और लिख के चला जाए, क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करते?
मेरा अनुरोध है कि उन अधिकारियों के ऊपर तुरंत FIR दर्ज की जाए और उन लोगों को रिलीफ दी जाए जो मेरे बिचपड़ी गांव के अंदर जो है आज धरने के ऊपर बैठे हैं उस इंस्पेक्टर को लेकर। तो मेरा ये अनुरोध है, तो मैं उससे आगे बाइंड अप करो जी। बाइंड अप का इस पे शुरू कौन हुआ हूँ? होगा जी, टाइम होगा, वाइंड अप करनी है ना। दूसरा मैं आपके अधिकारियों की बताता हूँ, सुन ले यार, बात के मैं बताता हूँ। टाइम हो गया, अभी 10 मिनट हुई है, 20 मिनट भी दिया आपने, नहीं को आपने आधा घंटा दे दिया। नहीं, वो ज्यादा मेंबर थे आपके और आए, बातें मैं भी ताजा हूँ, तो बाकी रह जाएंगे, मैं भी ताजा हूँ। दूसरा अधिकारियों को काम करने का तरीका बताता हूँ। हम खुश हो रहे हैं, हम अधिकारियों पर अंकुश लगाते हैं। मेरे लाडवा और शातोड़ गांव, उसमें PHC अच्छा है 7 साल से, कंडम घोषित होली, उसके एक चौपाल में चल रहा है, एक पंचायत घर में चल रहा है, आग बिजा वो चक्कर काटे फाइल, आग भाई इसका पंचायत की जमीन नाम करो, पहले उसके ऊपर थी उस बिल्डिंग, उस पर जमीन पर बिल्डिंग थी कोनी। अभी हमारे माननीय मूलचंद शर्मा जी ने, मंत्री जी ने एक ITI घोषित की थी, उसका सब कुछ हो गया, जमीन मिला ट्रांसफर करो, जमीन ट्रांसफर के लिए लिख दी, पता उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्या लगा? लास्ट मौके में निपात इन अधिकारियों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा, बोले यह जमीन जो है डिपार्टमेंट का नाम हो जाएगी, पंचायत की जमीन, तो पड़ोसी के रास्ते है कि नहीं है ये बताओ, अरे वो तो अब भी है कि नहीं है, वो बताने की क्या बात है। इस तरह से अधिकारी काम करते हैं, इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो मेरे हमारे जो साथी थे गोल्डन जी जो कह रहे थे उसके लिए भी तैयार है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो मैं आपको एक मिनट और लूंगा अध्यक्ष जी, एक दो बातें रहेगी, एक बजट की बात है अध्यक्ष जी, मैं आपको एक बजट के ऊपर एक ऐसा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बच्चे जो है छोटे बच्चे 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे, खासकर शहरों के, उनको खेलने के लिए उनके पड़ोस में कोई जगह नहीं है। पार्क में जाते हैं तो बड़े लोग खेलने नहीं देते, और वो सड़क पर खेलने तो व्हीकल इतने हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है कि उन बच्चों के लिए, क्योंकि स्टेडियम दूर होते हैं और जा नहीं सकते, 6 साल का बच्चा कहां जाएगा, उनको साइकिल चलानी होती है, उनको गुल्ली डंडा खेलना होता है शहरों के अंदर, उसके लिए जो पारस में पार्क है, जिस प्रकार से कुत्तों के लिए जो पार्कों के अंदर जगह दी जाती है ना, उस तरह से उनको खेलने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि बड़े लोग उसमें खेलने नहीं देते उन बच्चों को, कुत्तों से होते वो बच्चे अच्छे हैं जो इस देश का भविष्य है। तो मेरी आपसे, मेरी तो यही, इन्हीं शब्दों के साथ, एक बजट बहुत बढ़िया है क्योंकि मैं भी सरकार का हिस्सा हूं। एक बात और कह दूं, ये भी एक परंपरा है कि सत्ता पक्ष वाले कितना रद्दी वो आ जाओ, बजट थाली मेज थपथपा के उसका स्वागत करेंगे, और विपक्ष वाले कितना बढ़िया हो उसका विरोध करेंगे, कहेंगे लॉलीपॉप दिया है, ये परंपरा भी हमारी है। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।